सो हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कि उसकी फर्स्ट इनकम आए, तो उस फर्स्ट इनकम पर वीडियो बनाए ताकि उसके सब्सक्राइबर को पता चले कि कितने इनकम आई है, कब आई है इनकम, और वो वीडियो जब यूट्यूब पे डाले तब उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और उसकी वजह से उसकी सेकंड इनकम भी जल्दी से आ जाए। सो हम कुछ ऐसा ही वीडियो बना रहे हैं अभी, हमारी फर्स्ट इनकम का वीडियो है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100 प्लस वीडियोस के बाद, 2 इयर्स के बाद और मोर देन 5 लाख यूट्यूब व्यूज के बाद यूट्यूब ने हमें कितने डॉलर्स या फिर आप रुपीस भी गिन सकते हो, रुपीस हमें दिए हैं। बाय द वे काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतना ज्यादा घूमते, इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो यूट्यूब हमें कुछ 25,000 से 30,000 रुपए, कोई कोई तो ऐसा बोल रहे 50,000 रुपए पर मंथ देता है, व्यूज आते हैं। रुपीस कितने आते हैं वो तो आपको जल्दी पता चलेगा। और सबसे बड़ा यही मिथ है कि हम लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों को ये लगता है कि हम लोग 30,000 50,000 रुपए कमा रहे पर मंथ, आप वीडियो जरूर देखना है ताकि आपका जो मिथ है बस्ट हो जाए। सो गाइस, क्या आप रेडी है जानने के लिए कि यूट्यूब ने हमें कितने रुपीज दिए, कितने दिए हैं, क्या आप रेडी है? मैं आपको वापस बता दूं कितना टाइम लगा है मैं फर्स्ट इनकम में, 2 साल लगे हैं, 2 साल एग्जैक्ट लगे। सितंबर में इनकम आई थी, सितंबर 2019 में मैं स्टार्ट किया था, सितंबर 2021 तक की इनकम आई है। 2 साल 110 वीडियोस हमारी चैनल पे है और कुछ 5 लाख से ऊपर व्यूज भी आ चुके हैं, तब जाके हमें यूट्यूब ने दिए है $110। यस, $110 यूट्यूब ने हमें दिया। एज यू कैन सी, आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो $110, और रुपीज में कन्वर्ट करो तो कुछ 8,100 रुपीज के आसपास था, और जीएसटी वीएसटी सब काट के कुछ हमें 7,878 रुपीज मिले। तो फाइनली देयर यू हैव इट, 2 साल के बाद हमें इतने रुपीज मिले। तो जिन जिन लोगों को लगता था कि हम 25,000 30,000 50,000 रुपए कमा रहे क्योंकि हम लोग कैमरा ले रहे, GoPro ले रहे, ये G7X Mark II हमारे पास था, 35,000 का कैमरा, अभी ड्रोन लेने का मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो हमारी जो इनकम है, हम जो जॉब करते हैं वहाँ से कमाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रिप्स अभी तक हमने की है सभी माइनस में किए, कोई प्लस में नहीं है, सभी ट्रिप के हमने खुद अपनी जेब से पैसे दिए। देयर यू हैव इट, 7,800 रुपीज़ यूट्यूब ने दिए 2 साल के बाद अंजलि कैमरे के पीछे। अंजलि, तो कैसा रहा अंजलि तेरा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बट करण इतना बड़ा चोर इंसान है ना, इस बंदे ने मेरे को और आशु को हमारे हमारे हमारी वो क्या बोलते हैं मजदूरी का हक नहीं दिया इस बंदे ने। हाँ, तो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि तू और आशु 7878 जो है उसमें से 7878 पीछे के दोनों ले लेना, सही तो है। इतना दोस्तों आप इसको बोले, इतना बड़ा गद्दार इंसान किसी ने देखा है? मतलब मैं इस बंदे से बोली, एडिस अपने पार्टनर को हाफ तो देना चाहिए ना इस बंदे को, इसने कुछ भी नहीं दिया। तो 7878 आए थे तो 7878 आगे के मैंने रख लिए, पीछे के 7878 तू नहीं, वो तो सब ठीक है। ये बता कि जो जो लोग हम ऐसा बोल रहे थे 25,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं हम लोग महीने के, इतने ट्रिप्स कर रहे, इसीलिए क्या कहना चाहते हो उन लोगों के बारे में? वो वीडियो देख के समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं बोल के थक जाती थी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ भी ले रही हूँ ना, तो यूट्यूब की इनकम मैंने बोला हाँ ना यार, बरस रहे, देखो ऐसे पैसे बरस रहे हमारे ऊपर। तो अभी आपको रियलिटी पता चल गई, अगर आपको यूट्यूब करना है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, व्यूज नहीं आते इतने, बट वही है कि 5 लाख से ऊपर व्यूज है, तो सबको ऐसा लगता था, हमें भी ऐसा लगता था सारा कुछ इनकम अभी तक आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। वी डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एक्चुअली हमने सेव किया जितना हो सकता था हमसे, हमारी सैलरी का कुछ पोर्शन हमेशा हम ट्रैवलिंग के लिए सेव करते हैं, और उसके बाद हमें अपनी अलग से भी सेविंग करनी पड़ती है, तो वी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दैट। और बाय द वे वो जो पैसे आ चुके हैं वो ऑलरेडी हमने खर्च कर दिए। हां, इस बंदे ने खर्च कर चुके हैं, मुझे फूड कॉलिंग दी इस बंदे ने, नेक्स्ट इनकम मैं लेके जाऊंगी करण, वरना मैं खाना सब इसको देना छोड़ दूंगी, मैंने सोचा हुआ है। नहीं, और जो जिसमें हमने खर्च किए उसका भी एक व्लॉग आएगा, बहुत ही बड़ी चीज ली है, क्योंकि जब फर्स्ट इनकम आते हैं तब लोग माइक लेते हैं या फिर कैमरा में कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, हमने तो हमने वो छोटी सी इनकम छोटी मतलब उसको बड़ी चीज के कहीं कोने में लगा दिया लगता है, उसका एक EMI भी नहीं जाएगा जितनी बड़ी चीज हमने ली है। पर हमने बहुत बड़ी चीज ली है, लाइक गाइस वो हमारी सैलरी से ही आई है, यूट्यूब का बहुत इतना क्या होता है एक पेज का उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। आपको जल्दी व्लॉग मिलेगा उसका, जल्दी व्लॉग आएगा आपका। और मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो मैं थोड़ा वापस कैमरामैन को कैमरा देता हूँ। सो गाइस, मैं जस्ट इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमने इनकम हमारे रिवील कर दिए तो आपको पता चल गया होगा कि कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब में, बहुत ही कम पैसे हैं, जैसा गुजराती में होते चने ममरे के भाव में ही पैसे मिलते हैं, इतनी ही वैल्यू है यहाँ पे। तो जस्ट एक ही चीज़ है कि अगर आप लोग यूट्यूब करें फॉर मनी, वो इतना वर्थ नहीं है, मतलब आपको टाइम बहुत लगाना पड़ेगा सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। हमारा तो क्या है कि शौक है घूमने का, तो इसके साथ साथ वीडियोज हम लोग बना लेते हैं तो काफी अच्छा रहता है, हम दोनों का शौक है एक्चुअली घूमने के लिए, इसीलिए सही रहता है। नहीं, ऐसे हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, टखनों में दर्द रहता है, पर जब हम घूमने आते हैं हमारा सब दर्द चला जाता है।
और दूसरा क्या, उसके साथ साथ हम वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा और एनर्जी आती है कि थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बनाए तो आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। जैसे हमारे अभी जयपुर की जो सीरीज चल रही है तो उसमें मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया, आपको आराम से पता चल जाएगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जयपुर जा रहे हो तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कहाँ रह सकते हो, खा पी सकते हो एक्सेट्रा, ताकि हमने जो एक्सपीरियंस किया वो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस पास ऑन कर सके। इसीलिए हम लोग करते हैं पैसे कमाने की इतनी, हाँ रहता है साइड में कि पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ही है तो हमारा वो खर्चा है वो आधा निकल जाए, बट सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम यूट्यूब करते ऐसा नहीं है, अदरवाइज हमने काफी पहले छोड़ दिया होता यूट्यूब। आई गेस हमें BTS अपलोड करना पड़ेगा। गाइस डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको BTS चेक करना है हमारे बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या कचरा मचाते हैं बिहाइंड द सीन्स, शॉर्ट्स लेने के लिए जो करते हैं, कितनी मेहनत होती है एक जगह पे, कितने कितने टाइम हम लोग मतलब खड़े रह के अलग अलग पोजिशन में शूट करते हैं। काफी जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे हमने ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया सिर्फ शॉर्ट लेने के लिए, और फिर हम हमारे वीडियोस देख के वो जगह हम भी एक्सप्लोर करते कि अच्छा ऐसा भी दिख रहा था। काफी जगह ऐसी मल्टीटास्किंग, और काफी जगह तो ऐसी भी है जहाँ हम दोनों घूमने गए और वीडियोस भी नहीं बनाए क्योंकि हमें मन नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का। सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूट्यूब के लिए घूमने जाते, हम घूमने जाते हैं इसीलिए हम यूट्यूब करते हैं। मतलब बीइंग अ ब्लॉगर आई गेस हमारे पास सब कैमरा रहता ही है बाय डिफॉल्ट। हाथ दुख गया, हाथ दुख गया, आई आई मैं पकड़ आई हो गया नहीं चलेगा। सो आई थिंक नहीं नहीं बीइंग अ ब्लॉगर हमारे पास कैमरा हमेशा रेडी रहता है, अगर किसी को कुछ भी मिला है हम कैसे कैमरा पकड़ के शूट करने लग जाते हैं, हमारा माइंड वही चलता है अच्छा ये शॉट ले सकते हैं, ये शॉट अच्छा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और ये वीडियो अम्ब्रेला जैसे नहीं लग रहे हम दोनों, अम्ब्रेला अच्छा थोड़े तो नीचे कर, ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फी ले रहे हैं। हां तो चलेगा ऐसे लगता है यार। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डेफिनेटली आप ये वीडियो को लाइक करके जाइए शेयर करिए ताकि इस पे व्यूज आए तो हमारी सेकंड इनकम जल्दी आए, जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था जिसके लिए हम ये बना रहे हैं। सेकंड इनकम का पता नहीं वीडियो बनाएंगे नहीं, फर्स्ट का हमें बहुत इंटरेस्ट है इसलिए बना दिया। सो सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और जयपुर की सीरीज अभी लाइव हो रही है, वीडियोस आ रहे हैं, व्लॉग्स आएंगे, पहले 2-3 वीडियोस है वो आने वाले हैं, फिर व्लॉग्स आएंगे, तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल आइकन ये वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस बाय।